कोढ़ा नगर पंचायत चुनाव के हुए मतगणना के बाद प्रत्याशियों के चेहरे पर कहीं खुशी देखने को मिली तो कहीं गम। आपको बता दें, धीरज कुमार सिंह बने मुख्य पार्षद तो रंजना राजन बनी उप मुख्य पार्षद। कोढ़ा नगर पंचायत में हुए प्रथम चुनाव के मतगणना के बाद जो परिणाम घोषित हुआ वह काफी चौंकाने वाला एवं दिलचस्प रहा। कोढ़ा नगर पंचायत के चुनाव के मतगणना परिणाम के बाद मुख्य पार्षद के पद पर धीरज सिंह विजय हुए। मुख्य पार्षद के पद पर धीरज कुमार सिंह को 2159 मत प्राप्त हुए, जबकि द्वितीय स्थान पर डोमन चौधरी को 1691 मत प्राप्त कर पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं उप मुख्य पार्षद पद पर रंजना राजन को 1629 मत प्राप्त कर विजय घोषित किया। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी मृत्युंजय कुमार को 1179 मत प्राप्त हुआ। वहीं वार्ड पार्षद की बात करें तो वार्ड पार्षद पद के लिए वार्ड संख्या 1 से मनिकलाल बड़ायक 350 मत प्राप्त कर वार्ड पार्षद की कुर्सी पर काबिज हुए। वहीं द्वितीय स्थान पर रामप्रसाद बड़ायक 169 मत पाकर चुनाव हार गई। वहीं वार्ड संख्या 2 से 145 मत प्राप्त कर वार्ड पार्षद के पद पर विराजमान हुए। राखी देवी 132 मत प्राप्त कर चुनाव हार गई, जबकि वार्ड संख्या 3 से पूजा शर्मा 378 मत पाकर विजय घोषित हुए। प्रतिद्वंदी आयुषी शर्मा को 272 मत मिले। इसी प्रकार वार्ड संख्या 4 में अमित कुमार को 257 मत पाकर लोगों ने विजय की माला पहनाई। वहीं नूतन शर्मा को 151 मत ही मिले, जबकि वार्ड संख्या 5 में सोनी देवी 168 मत प्राप्त कर वार्ड पार्षद के पद पर कब्जा जमाया। वहीं रीता देवी 69 मत पाकर पराजित हो गए। वार्ड संख्या 6 से धर्मवीर चौधरी 282 वोट हासिल कर विजय घोषित हुई। वहीं प्रतिद्वंदी भवेश कुमार 127 मत प्राप्त कर चुनाव हार गए। वहीं वार्ड संख्या 7 में राजेश कुमार चौधरी 214 पाकर जीत हासिल की, जबकि वार्ड संख्या 8 में मुजम्मिल हुसैन 359 मत पाकर विजय हासिल हुए, जबकि द्वितीय स्थान पर नई मंसारी 252 मत लाए। इसी प्रकार वार्ड संख्या 9 में गुड़िया देवी 511 मत प्राप्त कर जीत का सेहरा अपने सर में बांधने में कामयाब रहे। वहीं वार्ड संख्या 10 में विमल कुमार 354 मत प्राप्त कर विजय हुए, जबकि वार्ड संख्या 11 में नीरज कुमार गुप्ता 141 मत प्राप्त कर विजय हासिल की। कोढ़ा में विजय प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर तथा पटाखे फोड़कर खुशी मना रहे हैं। बहरहाल नगर पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल छाया हुआ है। फिनो न्यूज बिहार के लिए कोढ़ा से सूरज कुमार की रिपोर्ट। आज धीरज सिंह जीता है, क्या कहोगे? हमको बहुत उत्साहित है, हम की जीता है और चाहते कि बढ़िया काम करेगा, और पहले भी किया था, करता ही रहे। जनता आपको यही सोच की भरोसा देकर एक जीत लाई है, इस प्रकार से कैसे दूर करेंगे सर समस्या को? सर जाम की जहाँ तक समस्या है, आप और हम सब जानते हैं कि सड़क का जो दायरा है काफी छोटा है और आबादी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आबादी का असर तो सड़क पर रहेगा ही। रह गया कि उसको आप अगर कहीं लोगों को सरकारी जमीन से हटाते हैं तो उसकी व्यवस्था आपको पहले करनी होगी कि आखिर वो अपना व्यवसाय रोजी रोटी कहाँ चलाएंगे। तो इन सब बातों पर हम लोग जो है जहाँ भी मौका मिलेगा इस मुद्दा को हम लोग उठाएंगे, और कोई भी आप किसी को हटाते हैं तो पहले उसको बैठाने की व्यवस्था कीजिए, उसको स्थान दीजिए कि उससे उसका रोजी रोटी चले। तो हम लोग इस हर बात पर हर पहलू पर ध्यान। सर आप अपना ये जो आपका जीत हुआ वो कितने वोटों से सर जीत हुआ? सर देखिए, जीत तो हमको लगता है कि 507 मतों से हम विजयी हुए हैं जी, लेकिन पूरी कोढ़ा नगर पंचायत की जनता ने हमको आभार और विश्वास के साथ हमको जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया है, मैं पूरे कोढ़ा नगर पंचायत का मुख्य पार्षद हूं और मैं सबके लिए सदैव काम करूंगा, और मेरे व्यवहार में कहीं से किसी प्रकार की किन्हीं लोगों के लिए कोई कटुता जीवन में नहीं आई। परिचय दे देंगे सर? धीरज कुमार सिंह, कोढ़ा नगर पंचायत मुख्य पार्षद, कोढ़ा कटिया। धन्यवाद। धीरज कुमार सिंह जिंदाबाद। क्या उम्मीद लेके धीरज जी को आपने मुख्य पार्षद? हम लोग इसी के समाज को सौंपे हैं और विशेष और कुछ नहीं बात नहीं है, जो गरीब गुरबा को देखेंगे वो नेता सही मेरा नेता है, बस इसी को मानते हैं और कुछ वक्त मानते नहीं। क्या काहे रो रहे? रो काहे रहे हैं? रो रहे इसलिए मांग रहे हैं कि मेरे भाई को जीत के मिल गया, बात खत्म। हम खुशी में रो रहे हैं, खुशी का आंसू है। आपका नाम? सिकंदर पासवान। धीरज बाबू के विषय में, धीरज बाबू के विषय में हम अपने चार क्षेत्रों कारी 500 की भेजे थे इनके प्रचार में। हमारे बेटा का नाम है नीरज,
बजाड़ा कोड़ा सैनिक सिंह पंचायत से हम हैं जी जी, बाकी अपने बच्चन के हम भेजे थे जी, चार बच्चे हमारे आया करके यानी जो पंचायत बुद्धि करके आखिर 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 सर और भी उम्मीदवार थे उसमें क्यों नहीं भेजे जो आप धीरज सिंह में इनको एक महान समझते हैं जी, एक महान है आदमी है, एक काम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे अपने गेराबाड़ी करें कोड़ाक करें चाहे कहीं भी करें, बाकी एक महान समझते हैं इसलिए हम भेजे थे। पंचायत की जो देवकुल जनता भरोसा और विश्वास के साथ मुझे भारी मतों से जिताने का काम की है, हम तमाम लोगों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जो भी बूढ़ा नगर पंचायत में सरकार के द्वारा कोई भी योजना मिलेगी उन योजनाओं को बूढ़ा नगर पंचायत की जनता के सामने रखकर पूरी पारदर्शिता के साथ विकास करने का काम करें। सबसे बड़ी बात है जी, आप नव वर्ष की शुभकामनाएं जनता को कैसे व्यक्त करेंगे? कोढ़ा नगर पंचायत की जनता तो हमको बधाई ढेर सारी शुभकामना बधाई लोगों ने हमको दिया है, हम चाहेंगे कि आने वाला साल जो है कोढ़ा नगर पंचायत में हमसे जो हो पाएगा जो मेरा सामाजिक कार्यकलाप से रहा है वो रहेगा ही, और सरकार से जो भी योजना हमको उपलब्ध होगी उसको अक्षरशः हम पालन करेंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। उसमें कुछ आपका पहला प्राथमिकता काम का विषय में कुछ रहेगा? फुटकर विक्रेताओं के कारण गेराबाड़ी बाजार में काफ़ी जाम की समस्या है। सबसे पहले कोढ़ा नगर पंचायत जो है पहली बार बनी है और इसकी क्या क्या योजना है और सरकार के द्वारा जो भी जन समस्या यहाँ पर होगा, फुटकर चूँकि बाजार में लोगों को बैठने का जो स्थान है जो कि बिल्कुल लोगों को दुकान उकान चलाने के लिए दुकान मिले, लोगों को गरीब गुरबों को जो है भ्रष्टाचार मुक्त आवास योजना का लाभ मिले, वृद्धजनों को पेंशन का लाभ मिले और जो भी सरकार की योजना होगी मेरा पूरा प्रयास होगा कि पारदर्शिता के साथ लोगों का हम काम करेंगे। बाजार में खरीदारी करने आती हैं महिलाएं माताएं जो भी हैं हमारी बहन है माता है जो भी है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था बड़ी बाजार होने के कारण दूर करें। नगर पंचायत का जो है ये सब पहला मुद्दा होगा क्योंकि इतने बड़े बाजार में लोगों को अपना सामान बेचने के लिए भी जो सरकार से जो इसकी योजना है उस सब में मांग उठाने का काम चुके हैं, जो भी सरकार की योजना आएगी उस योजना को हम सफल रूप से कार्यान्वयन करने का प्रयास करेंगे।